नवरात्रे रख के सचिन के ऐसे गले में हाथ डाल रही है वो चिपक चिपक के, वो नवरात्रे अभी उद्घाटन किया उसने, तो उसने कैसे कैसे उसको चिपक के बैठी है, कैसे किससे कहती है सचिन तेरा पति है, अभी वो लिव इन रिलेशन वाला मामला है, असली पति नहीं है। एक नंबर मैं कह रहा हूँ झूठी, एक नंबर क्या बिल्कुल फ्रॉड है, एक नंबर की नौटंकी। ये नवरात्रे कर रही है, वो नाच रही है, किस कर रही है, वो कह रही है मेरा उसके नवरात्रे हैं। थू थू, हमारे देश का कोई भला, अगर उसने कोई भला किया हो आज उसको सर आंखों बैठा रहे पाकिस्तान की, वो एक नंबर की नचनिया। जीते जी मार के आई है, जीते जी उसको गुलाम हैदर जो रो रहा है अपने बच्चों के लिए, जीते जी इसने मार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर की, जी हां वही सीमा हैदर, बोले जाए कि पाकिस्तान से नेपाल होके भारत आई हैं या जो मर्जी बोला जाए अपने प्यार में आई हैं, तो जिस तरह से देखा जाए सीमा हैदर ने सनातन अपना लिया है और कहती हैं सनातन के बाद मैं बहुत सुकून में हूँ। साथ साथ में अगर बात की जाए तो अब भी सीमा हैदर ने नवरात्रों के व्रत रखे थे और आज उन्होंने कन्या पूजन भी किया है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। ये बताइए उसने, आपने उनकी वीडियो देखी है, नवरात्रे रख के सचिन के ऐसे गले में हाथ डाल रही है वो चिपक चिपक के, वो नवरात्रे हैं। आप बताइए ना, अगर वो उसका मुद्दा चल रहा है, मैं तो देता हूँ जब भी आप बाइट ले दे रहा हूँ, लेकिन आपने उसकी वीडियो देखो ना, एक उसने नवरात्रे रखे हैं, आज वो कन्याएं बैठा रही है, ठीक अच्छी देखो ये संस्कार तो आ रहे हैं, सीख रही है, लेकिन ये देखिए जब आपने वीडियो देखी अभी नवरात्रों के बीच की, अभी उद्घाटन किया उसने, तो उसने कैसे कैसे उसको चिपक के बैठी है, कैसे किससे कहती है सचिन तेरा पति है, अभी वो लिव इन रिलेशन वाला मामला है, असली पति नहीं है, जिस तरह से उसको हाथ में हाथ डाल रही है वो व्रत रख रही है। एक नंबर मैं कह रहा हूँ झूठी, एक नंबर क्या बिल्कुल फ्रॉड है, एक नंबर की नौटंकी। ये नवरात्रे कर रही है, माता रानी का भी वो मैं कहता हूँ अपमान कर रही है। मैं कहता हूँ मैडम ये कहाँ से मुद्दा, कहाँ से ये देश में घुसी है, इसका मैं कहता हूँ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है। आप जैसे एपी सिंह ने कह रहे हो मकान का उद्घाटन किया, ऐसे भाई साहब बैठे वहाँ ऐसे कोनी करके बैठी है, किसके एपी सिंह के ऐसे कोनी दिख रही है। अरे मैडम एक एक पॉइंट देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, वो पॉइंट बताओ ना, इससे क्या जाहिर होता है कि उसने नवरात्र रखे हैं, अगर रखे हैं ना तो इस तरह की हरकत नहीं होती। सचिन के गले में हाथ डाल रही है, सचिन ने उसको किस करी अभी 5 दिन पहले ही, है वो नाच रही है, किस कर रही है, वो कह रही है मेरा उसके नवरात्रे हैं। थू कुछ नहीं है देश के लिए, क्या लगता है दिखावा कर रही है हर चीज़ का। मैडम मैं क्या बोलूँ, मैं तो जब भी कहोगे बोल, मैं तो उसके ये कहता हूँ कि उसने जब नवरात्रे के व्रत रखे हैं, माता रानी का अपमान कर रही है, गले मिल रही है, सुनो ठीक है, और आप देखो उसने किस तरह से उसको टच कर रही है, तो माता रानी के जब नवरात्रे होते हैं ना मैडम, पैरों में चप्पल नहीं होती, सुन लो मेरी बात, पूरा एकदम बिल्कुल माता रानी का पूरा ध्यान रहता है, मीडिया से दूर रहे, सुनो अपने परिवार में माता रानी की चौकी में बैठे सुबह शाम, ठीक है दिखाइए ना उसके घर में मंदिर दिखाओ, मंदिर उसने वो फोटो वोटो लगा के बना रखा है, ये यहाँ पे कृष्ण जी भगवान या माता रानी अपना मंदिर दिखाए ना, घर के अंदर कहाँ उसने मंदिर बनाया है, ठीक है झूठ बोलती है हर चीज़ में, कलाकार है एक वो मैडम, एक कलाकार है ठीक है, देश में आई है सुनो, और इसकी कलाकारी निकलने वाली है, सीमा हैदर के बच्चे हैं, आएगा लड़ाई लड़ेगा, हर बार कहूँगा 100 बार आपके चैनल पे कहूँगा, मैं कहता हूँ ठीक है इसका गुरूर निकलेगा, इसका घमंड निकलेगा, इस तरह की जो ये कलाकार नौटंकी अपने चैनल पे दिखाती है ये भी इसका निकलेगा, ठीक है काम बताइए। उसने आज कन्या पूजन भी किया है उसने मैडम, अरे मैं कन्या पूजन क्या कन्या पूजन किया है, पति से गले मिल रही है वो नवरात्रों के अंदर, तो उस काय की वो सतावती सती बन रही है, ये उसका वो क्या नाम है नवरात्र है, वो उसकी पप्पी ले रहा है, वो चुम्मा चाटी कर रहे हैं नवरात्रों के चक्कर में, नवरात्रों में खुद ही उसकी वीडियो देखो, कह रहा जी उद्घाटन हुआ वो बैठ के वो आ जाता है, वो ऐसे कर लेती है, वो ऐसे कर लेती है, क्या नौटंकी मचा रखी, हमारे देश का हिंदू हमारी हमारी भावनाओं से खेल रही है, हमारे हिंदू के जो हमारे देवी देवता उनकी भावनाओं से खेल रही है, वो जिस मजहब में आई ना वो मजहब, वो जहाँ जिस मजहब से आई है मजहब से, उस मजहब का वो कभी भी दिल से नहीं निकाल सकती, जिस तरह से वो पाठ पढ़ के आई है, जिस तरह से बचपन से पढ़ा है नौटंकी करने में, मैडम कलाकार नौटंकी करता है, ये सिर्फ एक नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, पैसा कमा रही है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है हमारा देश ही, मैं कहता हूँ हमारा देश ही बेवकूफ है, बेवकूफ है क्या लगता है जिस तरह से उसको अपना लिया, नहीं हमारा देश इसलिए बेवकूफ है, भगाओ इसको यहाँ से, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्या कर रही है, शादी शादी हुई नहीं,
मैं इन सब के खिलाफ हूँ। अगर कोई अपने चार बच्चों को लेके अपने पति का दिल तोड़ रही है, अपने पति का घर तोड़ती है, अपने परिवार का तोड़ती है, अपने माँ बाप का दिल तोड़ के आई है, अगर वो पाकिस्तान से इंडिया में आई है, उसका कोई स्वागत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी वो कहती है मैंने नवरात्र रखे हैं, आप देख रही हो उसकी वीडियो, वो नवरात्र रखी है, ये अपमान कर रही है, हमारे देश का अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है, हमारी माता का अपमान है। ठीक है, इस तरह से मैं इसकी इसको नहीं मानता। ठीक है, अच्छा साथ में देखा जाए करवा चौथ की, करवा चौथ, अरे वो जब उसका पति ही नहीं है तो करवा चौथ किसके नाम का रखेगी? वो कहती है हम पाकिस्तान सचिन कैसे पति हो गया? हाँ। आप बताइए सचिन उसका पति कैसे हो गया जब उसकी शादी ही नहीं हुई? वो एक मुस्लिम अल्पसंख्यक पाकिस्तान से आई है, यहाँ उन्होंने नेपाल में शादी करी है, नेपाल की शादी हमारी मान्यता है नहीं, हमारे हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, हमारे देश की शादी मान्यता होगी, हमारे आर्य समाज की शादी मान्यता होगी, हमारे कोर्ट की शादी मान्यता होगी, और पूरे समाज के मीणा समाज शादी करेगा, बारात लेके जाएगा, उसको शादी करके लाएगा, तब उसकी मान्यता शादी मानी जाएगी। लेकिन शादी तो मानी जाएगी तब ना जब उसका पति जो गुलाम हैदर है, जिसके बच्चे हैं, उसने अभी उसको तलाक थोड़ी दिया है, जब वो तलाक देगी तब ये शादी होगी। मस्जिद में हमारे देश में कितने मौलाना मस्जिद है, वहाँ जाके तलाक दे, गुलाम हैदर आए तलाक दे, और वो उसको तलाक नहीं देगा, जब तक तलाक नहीं होता शादी नहीं होती। अगर हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है तो जब तलाक होता है तभी तो शादी होगी, वैसे तो भाग जाओ कोई भी अपने घर में, हर भागने लग जाएगी तीन तीन चार चार बच्चों के लेके साथ। ठीक है, और पाकिस्तान हमारा कोई वो नहीं है, ऐसे सुन लो मेरी बात, गद्दार देश है, उसके मैं खिलाफ हूँ। हमारे देश का कोई भला, अगर उसने कोई भला किया हो, आज उसको सर आंखों में बैठा रहे पाकिस्तान की, वो एक नंबर की नचनिया, एक नंबर की मैं कह रहा हूँ फ्रॉड, झूठी, माता के नवरात्र कर रही, नौटंकी कर रही हो, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ मैडम। अगर किसी एक बाप के दर से पूछो, जिसके चार बच्चे हैं, अपने चार बच्चों को छोड़ के आई है, उसके बाप से पूछो, उसका दर्द से पूछो, उसकी भावना से पूछो, ठीक है जी, उसकी भावना से पूछो ना कि उसके उसके बाप जो उसका पति है उस गुलाम हैदर, उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उसके बच्चे छिन गए, वो उसके अपने चार बच्चों को लेके आ गई, क्या बाप का दर्द नहीं होता? क्या मैं बाप नहीं हूँ कि मेरे बच्चों को लेके मेरी बीवी लेके भाग जाए, हैं तो मेरा दर्द नहीं होगा, मेरे चार चार बच्चे जुदा हो जाए? वो गुलाम हैदर रो रहा है मैडम, उसको देखो, उसकी वीडियो देखो, ये तो इसको यहाँ खुशी मिल रही है, करोड़ों रुपये आ गया, यूट्यूब चैनल बना लिए, कहाँ तक जाएगी ये? बचेगी नहीं, कोर्ट सख्त है, हमारा देश सख्त है, संविधान सख्त है, लोकतंत्र सख्त है, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं है कि हमारे समाज में रहेगी, मैं कहता हूँ सचिन पे भी खिलाफ कार्रवाई होगी। एपी सिंह जिस तरह से साथ पे साथ दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं तो एपी सिंह भी जेल जाएगा। हाँ। वो वकील भी जेल जाएगा, एपी सिंह भी, सचिन भी, और उसका पूरा खानदान जेल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा देश छोड़ता नहीं किसी को, हमारा देश का संविधान, हमारा कानून बहुत सख्त है मैडम, समय आने दो। गुलाम हैदर मैं कहता हूँ कैसा देश, मैं स्वागत करूँगा गुलाम हैदर का, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तानी है, एक इंसानियत के नाते, एक जो बाप है उस बाप का दर्द मैं समझ चुका हूँ मैडम, वो रो रहा है, आए मैं स्वागत करूंगा देश में, वकील करा के दूंगा। क्या लगता है जिस तरह से आपस में इनका आजकल चल रहा है, सीमा सचिन की जिस तरह से बातें चल रही हैं, चार बच्चे हैं सीमा के, भविष्य क्या है उनका, पढ़ेंगे क्या, एजुकेशन कैसे होगी उनकी, क्योंकि जब तक नागरिकता नहीं मिलती क्या उनको स्कूल जाने का अधिकार? कोई नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता उनको तब मिलेगी जब गुलाम हैदर से उसका तलाक होगा, सचिन से उसका एक शुभ विवाह जिसे कहते हैं, सामाजिक विवाह जिसे कहते हैं, पारंपरिक विवाह जिसे कहते हैं, एक आर्य समाज सनातन धर्म जिसे कहता है विवाह के, वो जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा हिंदू सनातन धर्म उसको पत्नी मानने के लिए, उसको सचिन की पत्नी मानने के लिए हमारा देश तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ सचिन ये एक लिव इन रिलेशन वाला मामला हो रहा है, अभी वो चाहे जैसे भी रह रही है, जब तक शादी नहीं होगी, जब तक कोई भी उसको बिल्कुल उसको देश की बहनों का भविष्य, बच्चों का कोई भविष्य, अगर चार बच्चे हैं वो चाहे पूरी दुनिया का कोई भी बच्चा है, मैं कहता हूँ बच्चों को तो हम अपने देश में दिल से लगा के रखते हैं, आज भी उनके सीमा के चारों बच्चों गुलाम हैदर के हैं, मैं सीमा के नहीं कहूँगा, मैं गुलाम हैदर के बच्चे कहूँगा, गुलाम हैदर के चारों बच्चों को हमने सर पर रखा है, अच्छे खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रह गया, पढ़ो, लेकिन क्या है वो गुलाम हैदर के बच्चे मैडम, उसका एक बाप जिंदा मरा नहीं है, वो अगर वो मर जाता तो हम उसको देख भी लेते, चलो भाई मर गया बेचारा, कोई नहीं आ गई अपने चार बच्चों को लेके, अरे वो जिंदा है, वो कमा रहा है, उसका घर है, उसका परिवार है, मरा नहीं है मैडम, अगर मर जाता ना तो हम भी कहते चल बेचारा भाई पाकिस्तान से आ गई, पति मरा हुआ था, ठीक है, लेकिन वो बेचारा जिंदा है, उसको देखो ना, जिंदा इंसान को तुम, वो उसको तो मार के आ गई, जीते जी मार के आई है, जीते जी उसको, गुलाम हैदर जो रो रहा है अपने बच्चों के लिए, जीते जी इसने मार दिया है, और मैं बिल्कुल खिलाफ बोलूंगा, मैं पूरी देश के हर उसके बोलूंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह से सीमा हैदर की बात की जाए,
नवरात्रों के व्रत रख रही है, कन्या पूजन कर रही है और साथ साथ में अब कह रही है कि वो करवा चौथ का व्रत भी रखने वाली है। लेकिन देखा जाए तो दोनों के प्यार में बच्चों का क्या, क्या बच्चों का कोई भविष्य है, क्या बच्चों का आगे जाकर जो भविष्य रहेगा भारत में सुरक्षित रहेगा, पढ़ लिख पाएंगे, क्या उनको शिक्षा प्राप्त हो पाएगी यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखा जाए ये सारे सवाल हर किसी के दिमाग में जहन में घुसते होंगे। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।